हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिया एंड प्रिया फूड लैब में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं सिर्फ दो मेन इंग्रेडिएंट के साथ बनने वाला बहुत ही क्रंची एंड यमी स्नैक की रेसिपी, जिसे आप यूज कर सकते हो एज अ टी टाइम स्नैक, टिफिन बॉक्स के लिए या फिर छोटी मोटी पार्टी के लिए। और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। ये मजेदार स्नैक बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में लेंगे हम 2 टीस्पून ऑयल। ऑयल गर्म होते ही डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग और साथ ही डालेंगे एक छोटी साइज का बारीक कटा हुआ प्याज, 2 हरी मिर्च जिसको बारीक कट कर लिया था। अब प्याज को सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे प्याज हमारे कुक हो गए हैं, तो यहाँ पे हम डालेंगे 2 कप पानी। आज हम यहाँ पे 1 कप सूजी का यूज करने वाले हैं, तो जितना सूजी हो उससे डबल पानी लेना है। साथ ही डालेंगे 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी, स्वाद अनुसार नमक। अब सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, आज मैंने यहाँ पे बहुत ही बेसिक स्पाइसेस का यूज किया है, बट आप चाहो तो इसमें पाव भाजी मसाला या फिर आपकी पसंद का और कोई फ्लेवर भी इसमें ऐड कर सकते हो। पानी गर्म हो गया है तो अब हम इसमें डालेंगे 1 कप बारीक सूजी। यहाँ पे हम गैस के फ्लेम को स्लो कर देंगे और थोड़ी थोड़ी सूजी डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। ऐसा करने से इसमें लम्स नहीं आएंगे। अगर सारी सूजी एक साथ डाल दोगे ना तो पानी वो सारा एक ही साथ सोख कर लेगी और इसमें बहुत सारे लम्स आ जाएंगे। और इसे कंटिन्यू मिक्स करते रहेंगे कि जब तक ये डव फॉर्म में ना आ जाए। ये देखिए, यहाँ पे ये डव फॉर्म में आ गया है। इसने पैन की साइड्स भी छोड़ दी और सूजी भी अच्छे से फूल गई है। तो बस यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इस मिक्सर को ओवरकुक बिल्कुल ना करें। ओवरकुक करने से मिक्सर ड्राई हो जाएगा और जब हम नगेट्स बनाएंगे तो उसमें क्रैक आएंगे। अब इसे ट्रांसफर कर देंगे 1 प्लेट में। अब इस मिक्सर को हल्का सा ठंडा करना है तो हम इसे प्लेट में ऐसे स्प्रेड कर देंगे। ध्यान रहे, हम इस मिक्सर को बिल्कुल थोड़ा सा ही ठंडा करेंगे, इस मिक्सर के साथ बस हम काम कर सके। अभी तो इससे धुआं निकल रहा है तो हम बिल्कुल भी इसमें हाथ नहीं डाल सकते। अगर ये ज्यादा ठंडा हो गया तो ये इसी तरह सेट हो जाएगा और इसके नगेट्स बनाने मुश्किल हो जाएंगे। और ये जब हल्का गर्म ही है तब हम इसमें डालेंगे आलू। तो मैंने यहाँ पे 2 बॉइल्ड आलू का यूज किया है और मैं इसे ऐसे ग्रेट करके डाल रही हूँ। ग्रेट करने से क्या होता है, इसका टेक्सचर है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म में आता है और जब हम फ्राई करेंगे तब ये ज्यादा क्रिस्पी बनेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। अब हमें इन सारी चीजों को आटे की तरह गूंथना है, तो इसके लिए पहले हम अपने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और इसे गूंथना स्टार्ट करेंगे, जिससे हमारा आटा है ना बढ़िया सा चिकना हो जाए। और इस स्टेज पे अगर आपको आपका आटा लूज लग रहा है, सूजी और आलू की वजह से इसमें ज्यादा पानी लग रहा है, तो आप यहाँ पे 2 चम्मच चावल का आटा मिक्स कर सकते हैं। उससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा की नमी है वो निकल जाएगी और आपके नगेट्स ज्यादा क्रिस्पी बनेंगे। मेरे केस में यहाँ पे आटा बिल्कुल परफेक्ट है तो मैं चावल का आटा यूज नहीं कर रही। तो बस ये देखिए, यहाँ पे मेरा आटा रेडी हो गया है, बिल्कुल स्मूथ एंड चिकना है। अब मैं इस आटे से थोड़ा सा पोषण लूंगी और इसे ऐसे लंबे लंबे शेप में, जिसे लॉक्स कहते हैं, वैसा शेप दे दूंगी। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसका इतना थिकनेस रखा है। आप चाहे तो इसके बॉल्स बना सकते हो, कटलेट बना सकते हो, जो भी शेप आपको पसंद हो। अब इसे मैं ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूंगी और कट करने के बाद हम इसे हाथों से या फिर प्लेटफॉर्म की हेल्प से सारी साइड से स्मूथ कर लेंगे, जिससे ये काफी क्लीन और प्रेजेंटेबल दिखेगा। और आप चाहे तो इस स्टेज पे इसे एयरटाइट कंटेनर में भर के 2 से 3 दिन तक फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं और जब मन चाहे तब डीप फ्राई करके इसे सर्व कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे ऑयल गरम रखा है मीडियम हाई हीट पे। जैसे ही ऑयल गरम होगा एक एक करके डालते जाएंगे। ज्यादा एक साथ नहीं डालने हैं, ज्यादा एक साथ डालने से ऑयल का टेम्परेचर सडनली चेंज हो जाएगा और ये ऑयल सोक कर लेंगे। तो थोड़े थोड़े एक बैच में फ्राई कीजिए और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अगर आप डीप फ्राई नहीं खाना चाहते तो आप इसकी टिक्किया बना के सैलो फ्राई कर सकते हो या फिर नॉनस्टिक पैन में 1 चम्मच ऑयल डाल के रोस्ट करके भी बना सकते हो। और आप चाहे तो इस पे ऑयल या बटर से ब्रश कर लीजिए और प्रीहीटेड ओवन में 15 से 20 मिनट के लिए बेक कर लीजिए या फिर एयर फ्रायर में फ्राई कर सकते हो। ये देखिए, इसे फ्राई होते हुए 3 से 4 मिनट हो गई है और इसका कलर भी गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो बस अब हम इसे 1 प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरीके से दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे।
तो रेडी है हमारा टी टाइम गरम स्नैक, एकदम क्रिस्पी और यमी। एक बार ट्राई जरूर कीजिए और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही नई नई रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं जल्दी एक नई रेसिपी के साथ।